ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 431 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਦਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि जिमें दिन के ही या फिर कह लिए कि धुंद ही 24 घंटे रह रही है, यानी कि यह धुंद नहीं है, यह धूं है, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पै रहा। हालांकि दिल्ली के अज तो सारे प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान भी किया है। जेकर एयर क्वालिटी इंडैक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता की गलबात की जाए तो दिल्ली के हवा की गुणवत्ता 431 तक पहुँच चुकी है, जिसके तहत आम लोगों को सह लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। उत्थे सारे जो वसनीक ने उन्होंने सह लैण दे विच काफ़ी समस्या का सामना करना पै रहा है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? सवाल वड्डा यही खड़ा होगा। तो पराली के मसले तो पोल्यूशन पॉलिटिक्स लगातार जारी है। तो दिल्ली के एल जी ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान को चिट्ठी लिख प्रदूषण के लिए पंजाब सिर ठीकरा भन्निया। तो सीएम मान ने भी जवाब दिता है तो उन्हें कहा कि अजिहे मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पराली कारण प्रदूषण भारी है ते सियासत भी पब्बा पार जारी है। आलम है कि हुण दिल्ली च जहरीली हुंदी दिनों दिन आबो हवा लई एल जी ने पंजाब सिर इसका ठीकरा पन्निया। दिल्ली दे एल जी ने सीएम मान नूं चिट्ठी लिख के कहा पंजाब दे मुख्यमंत्री मान दा ध्यान दिल्ली दे लोकां दीआं तकलीफां वल दवाउणा चाहुंदा हां, जिस विच उन्हां दी कोई गलती नहीं है। पंजाब विच पराली साड़न कारण दिल्ली गैस चैंबर बन गया, प्रदूषण दा पद्धर स्वेयर प्लस तक पहुंच गया, 95% धुआं पंजाब दी पराली कारण हो रहा है। इस संबंधी दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाल गलबात भी हुई सी, पर जदों सीएम मान नाल गल करनी चाही तां उह मीटिंग विच रुझे हुए सन अते उस तों बाद इस गंभीर मुद्दे ते गलबात करन दा फोन भी नहीं आया। उप राजपाल ने अपने पत्र विच दस्या कि 24 अक्तूबर 2022 तो 2 नवंबर 2022 तक 2021 दे मुकाबले इस साल केसां विच 19% दा वाधा है। यह आंकड़ा खतरे दी घंटी है, जिथे 2021 विच 18,066 मामले सामने आए सन, उही 2022 दे विच वध के 21,840 हो गए हन। 2 नवंबर नूं ही पूरे देश विच पराली साड़न दे 3825 मामले सामने आए सन, जिन्हां विचों 3634 सिर्फ पंजाब नाल संबंधित हन, जबकि दिल्ली तो कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि इधर सवाल दिल्ली दे एलजी ने पंजाब दे सीएम उत्ते कॉल बैक ना करन नूं लैके खड़े कीते, तो सीएम मान भी चुप नहीं बैठे अते जवाब च कहा कि एलजी साहब तुसी भी चुनी हुई सरकार दे काम रोक रहे हो, रेड लाइट ऑन गड्डी बंद मुहिम बंद करके मेनू लिख के राजनीति कर रहे हो, एह जे गंभीर विषय ते राजनीति करना ठीक नहीं है। बहरहाल पराली प्रदूषण ते पॉलिटिक्स पब्बा पार है अते ब्लेम गेम जारी है। दलीलां इत्थों तक दित्तियां जा रही ने कि सियासत ना होवे, पर किवें होवेगा? पराली दे मसले दा हल वड्डा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।